गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज uh, मैं बहुत दिन के बाद फेसबुक uh, Facebook... लाइव में आ रहा हूँ मेरा आज uh, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक टू और थ्री थिंग्स वेरी क्लियर कि हम uh, मैं आज फ़ेसबुक में इसके लिए आया हूं क्योंकि आज एक हिस्टोरिकल साइनिंग हुआ है बिटवीन आईएनपीटी आईपीए आईएनपीटी टीपीएफ एंड तिपरा और हमने जो मैं पहले से कह रहा था कि हमें पॉलिटिक्स देकर तिपरा सा समाज को हम एक नहीं कर सकते लेकिन आइडियोलॉजी लेकर हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो था होगा और जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि हमको आइडियोलॉजी लेकर राजनीति भी नहीं समाज का सेवा करना है आइडियोलॉजी इज़ मोर इम्पोर्टेंट तो अनकंडीशनली टुडे आई एन पी टी टी पी एफ एंड पिपरा हैव डिसाइडेड टू फॉर्ज इन अलायंस फॉर एम्पावरिंग द तिपरासा पीपल एंड द इंडिजिनस पीपल ऑफ़ द स्टेट मैं अभी भी आपको कहना चाहता हूँ कि आज भी मेरा बहुत पार्टी के लीडर्स से बात हुआ चित्तू बाबू से आज बात हुआ दो तीन दिन पहले तिपराहा के लीडर से बात हुआ एक दो लीडर्स हैं जो आई पी एफ टी से हैं हाई सीनियर पोजिशन में उन से भी बात हुआ मैंने उनको भी यही ऑफर किया है और मैं आने वाले दिन में उनसे भी परस्यू करूंगा कि आप सीट्स देखकर पॉलिटिक्स मत कीजिए अनकंडीशनली फर्स्ट एग्री कीजिए कि हमारे आइडियोलॉजी मोरलेस एक ही है हम सब अलग अलग प्लेटफॉर्म से एक ही बात बोल रहे हैं अगर हम सब एक हो जाएंगे तो हमारा समाज के लिए अच्छा रहेगा मैंने पहले भी ये बात कहा है और मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ दैट अ प्रॉब्लम इज़ नॉट इज इज नॉट एनी बी एल्स इट्स हम लोग लो का हम लोग का खुद का ईगो अहंकार जेलसी इज़ द रीज़न हम सेवेंटी वन ईयर्स में एक नहीं हो सके uh, मैं और एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारा जो टिपरा मथा है जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन पॉलिटिकल रहेगा वो आने वाले एडीसी में पॉलिटिकली कॉन्टेस्ट नहीं करेगा लेकिन जो हमारे आइडियोलॉजी के संग मिलता है जो हमारा सीए इशू हो एनआरसी हो डायरेक्ट पावर टू एडीसी हो फॉरेस्ट बिल हो रेस्टोरेशन ऑफ आई लैंड हो जो भी इलीगल वोटर्स को बाहर करेगा उस इश्यू में अगर हमारे संग उनका आइडियोलॉजी मैच होता है तो मैं डेफिनेटली उनको मॉरली सपोर्ट करूँगा लेकिन मैं अभी भी अपील करना चाहता हूँ कि समय है देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अदर पार्टीज़ हमारे पास आए अनकंडिशनली कंडीशन लेकर आने से नहीं होगा मुझे पंद्रह सीट दो तो मैं आपके संग अलायंस करूंगा मुझे बीस सीट दो ऐसा नहीं होता है आप अनकंडिशनली आइए और हमसे बात कीजिए मुझसे बात कीजिए मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको भी हम अपने संग लेकर आगे बढ़े इलेक्शंस आता रहेगा जाता रहेगा लेकिन अगर हमने अपना आइडियोलॉजी को एक रखा और हमने कहा कि हम लोग अपना आइडियोलॉजी को आगे रख कर सा समाज को आगे ले जाएंगे तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा एक दो चीज़ और था मैं सबसे पहले पतल कन्या को थैंक यू बोलना चाहता हूँ पतल ने बहुत पॉजिटिव रोल लिया है पतल से मैंने बात भी किया है और उनका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा रहा उन्होंने ओपन माइंड रखा वो मुझे आदर करती है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात किया मैं विजय कुमार रंगखौल जगदीश देव वर्मा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ सीनियर लीडर्स हैं लेकिन उन्होंने अपना बड़ापन दिखाया कि मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा हूँ आई मे बी द बुबागरा दे मे रिस्पेक्ट मी बिकॉज ऑफ माई फैमिली पर तभी भी मैं एडमिट करता हूँ कि मेरा एज उनसे कम है और उन्होंने जो इज्जत मुझे दी है और मेरा बात सुना है अनकंडीशनली वो भी अलायंस में आए हैं आई वुड लाइक टू थैंक देम मैं और भी संगठन है त्रिपुरा से तो हमारे बहुत लीडर्स हैं त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन है जॉइन एक्शन कमेटी है, है. Uh, बहुत लोग हैं जिन्होंने हमें हेल्प किया है इस मामले में मैं अभी भी uh, मैंने ऑफिशियली टीएसपी uh, को लिखा था टीएसपी ने मुझे रिस्पॉन्ड भी किया है i am still hopeful that chitu babu will come front uh, i will talk to him again and he'll come front and uh, we will work together for the people har cheez alliances sirf election ko dekh kar nahi hota alliances ideology ko dekh ke hota hai aur agar hum sab bolte hain ki thancha unity unity तो अगर आपको यूनिटी चाहिए तो पहले आप एक होइए उसके बाद हम लोग एक परिवार जैसे घर में बैठकर हम लोग बात करेंगे किसको क्या मिलना चाहिए लेकिन अगर आप शुरू से कंडीशन लेकर आ जाएंगे तो इसमें सबका काम खराब हो जाता है तिप्रहा से भी मैंने बात किया है आईपीएफटी से भी मैं बात कर रहा हूँ यूथ लीडर्स हैं सीनियर लीडर्स हैं सबसे मैं बात कर रहा हूँ और मैंने एक चीज़ बहुत क्लियर बताया है कि ये जो अपना अलायंस है इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी हमें अपने समाज को खुद सुधारना पड़ेगा हमेशा वो खराब है ये कम्युनिटी खराब है ये आदमी खराब है प्रॉब्लम हमारे खुद के अंदर है उसको हमको सुधारना है और जब तक हम ये कर सकेंगे तभी टिल द टाइम वी डोंट डू दैट तभी हमारा सिचुएशन इंप्रूव होगा क्योंकि अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और पोलिटिकली बोलेंगे कि थानचा चाहिए लेकिन अंदर में कुछ और बोलते बाहर में कुछ और बोलते ऐसा नहीं चलेगा सेकेंड चीज़ है कि यूथ यूथ को हम क्या देना चाह रहे हैं यूथ को एक आशा चाहिए एक होप चाहिए यूथ को एक मौका चाहिए यूथ को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए यूथ का भी एक सपना है हम यूथ को पावर करना चाहते हैं यूथ में सिर्फ मेल्स नहीं महिला भी है। वॉन्ट टू एम्पावर दुमेन ऑल्सो एम्पावर का ये मतलब नहीं होता कि हम आपको बोलेंगे कि ये स्विंग मशीन लेकर आप कपड़ा बनाओ या रिगनाएं बनाओ हम चाहते हैं कि एम्पावरमेंट होता है जब इक्वल पार्टिसिपेशन होता है तो त्रिपुरा में इतना रेप्स हो रहा है त्रिपुरा में इतना क्राइम लगेन वेमेन हो रहा है ये पोलिटिकल इशू नहीं है ये सोशल इशू भी है और ये सोशल इशू इसके लिए है क्योंकि हमारे माइंडसेट में एक बड़ा प्रॉब्लम है और जब तक हम ये माइंडसेट को ठीक नहीं करेंगे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा फिफ्टी परसेंट ऑफ अ पीपल आर विमेन एंड अनटिल वी डोंट लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट डज नॉट मीन दैट पति घर आया तो आपने उसका पैर दबाया उनके लिए खाना बनाया वो उसको आदर नहीं बोलते भारत माता बनाकर आपने एक प्रोग्राम में रख दिया त्रिशूल लगाकर हाथ में या हाथ में एक थाली लगाकर उसको रिस्पेक्ट नहीं बोलते रिस्पेक्ट तब होता है जब आपका पूरा व्यवहार तीन दिन एक महिला के ऊपर आदर करके होता है उनको रिस्पेक्ट देना पड़ता है उसका एक तरीका होता है उनको मौका मिलना चाहिए यूनिटी यूनिटी का मतलब क्या होता है यूनिटी एक हाथ जैसा है इसमें अलग अलग उंगली है कोई बड़ा है कोई छोटा है लेकिन जब एक है तभी सैंकराक बनता है अगर हम सब अकेले लड़ेंगे एक ही बात बोलकर तो इसमें नुकसान किसका है फायदा किसका है 71 वन ईयर्स में हमने एक दूसरे के संग लड़ा है और जो मुझे अपोज करते हैं आप उनको भी बताइए कोई लीडर मेरे खिलाफ कुछ बोलता है कोई मैंने सुना भी है कि जो भी है मुझे चिंता नहीं है मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूं मैं मेरा काम बोलेगा मेरा भाषण नहीं बोलेगा और इसी के लिए ब्रू इशू हो मेरा काम ने बोला सब लोग ने फोटो अपॉर्चुनिटी किया लेकिन मैंने काम करके दिखाया करोना के टाइम ये जो सब लोग बोल रहे हैं कि महाराजा ये ये नहीं बोल सकता ये नहीं बोल सकता मैंने सुना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दो लोग ने कहा है करोना के टाइम मैंने सबका सहायता किया मैंने किसी का जात नहीं देखा मैंने किसी का धर्म नहीं देखा बिंगोली होपरसा हो चकमा हो मोग हो मुसलमान हो मणिपुरी हो, हो कोई भी हो हमने सबको हेल्प किया और हमारा काम ने बताया ये जो अलायंस भी आज हुआ है इसमें मैंने सबको कहा कि आप अपना ईगो को एक तरफ र, अलग रखो आपकी परसा के बारे सोचो और ये अलायंस आइडियोलॉजी के ऊपर होगा अनकंडीशनल होगा कोई कंडीशन लेकर आकर एक संग एकता नहीं कर सकता अगर एकता करना है तो खुद के बारे मत सोचो पहले अपने दोफ़ा के बारे सोचो अगर मैं खुद के बारे सोचता तो आज शायद मैं पार्लियामेंट में होता अगर मैं खुद के बारे सोचता तो आज मैं शायद अभी भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहता लेकिन मैंने अपने बारे नहीं सोचा मैंने अपने लोगों के बारे सोचा मैंने अपना स्वार्थ पीछे रखा अपने लोगों के बारे मैंने पहले सोचा इसी के लिए आज शायद मैं एम नहीं हूँ शायद मैं बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ लेकिन मुझे अगर कल मैं रहूं या ना रहूं आप लोग बोलेंगे हाँ इसने पिछले दो साल में कुछ काम तो किया मेरा काम बोलेगा मेरा भाषण नहीं इसी के लिए मैंने इतने दिन से मैं चुप था क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं पहले बोलूं तो इट विल बी द लॉस ऑफ एवरी वन माई लास्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू थैंक एवरी वन एवरी वन और मैं आपको एक दायित्व देना चाहता हूं अपने तिप्रासा लोगों को और अपने पूरे त्रिपुरा के लोगों को नॉट जस्ट तिप्रासा एवरी वन आपको एक काम देना चाहता हूं आप जाकर अपने लीडर को प्रेशर डालिए बोलिए कि महाराजा थांचा चाहता है और बोलिए कि महाराजा रिटर्न में कुछ नहीं चाह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए आप अपने लीडर के ऊपर दबाव डालिए और बोलिए कि एक बार आकर मुझसे मिले और मुझसे बात करें मैं भी जाकर मिलके बात करने के लिए तैयार हूँ नो प्राइड नो ईगो और हम अगर एक संग आ सकते हैं तो हमारे लिए अच्छा है ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नहीं है बहुत ऑर्गेनाइजेशन हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं इंजीनियर्स एसोसिएशन है टीचर्स एसोसिएशन है हमारे जो टीएसआर uh, में थे वो लोग हैं जो आर्म फोर्सेस में थे जो आर्मी में थे वो लोग हैं बहुत ऑर्गेनाइज लॉयर्स एसोसिएशन से मैं सबसे एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे आपका हेल्प चाहिए हम सबको एक होना चाहिए हाँ बहुत लोग आएंगे बहुत लोग नहीं आएंगे जो जिसको नहीं आना है वो शुरुआत से बोलते मुझे नहीं आना है नो no प्रॉब्लम लेकिन जिसको आना है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए यह हमेरेपरा की दोफ़ा से कांटेक्ट कीजिए लेकिन अनकंडीशनल अगर आप कंडीशन लेकर आओगे तो इसका मतलब है कि आपके दिल में तीपरा के लिए प्यार नहीं आपको देखना है कि मुझे क्या मिलेगा ऐसा नहीं होता अगर हमको दोफ़ा को एक होना है देन हमको सबको अपना स्वार्थ को पीछे रखना पड़ेगा और अपने जाति के बारे में पहले सोचना पड़ेगा इसी के लिए मैंने कहा था पुइला जाति उलो पार्टी और उलो संगठन आपको पहले अपने लोगों के बारे सोचना है आपको मैंने एक दायित्व दिया है कि आप जाकर अपने लीडर को प्रेशर कीजिए आई लव ऑल ऑफ यू मैं आप सबको प्यार करता हूँ जो मेरे अगेंस्ट भी बोलते हैं मैं उनको भी प्यार करता हूँ और जो मुझसे अग्री नहीं करते हैं ठीक है आपका अधिकार है मुझसे डिसएग्री करने के लिए लेकिन हमें एक दूसरे को पब्लिकली गाली नहीं देना चाहिए मैंने अपने तिपरा लोगों को कहा है कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि जब बुबागरा और कोई लीडर एक दूसरे से लड़ता है तो नुकसान उस लीडर का नहीं होता बुबागरा का नहीं होता हमारे दोफ़ा का होता है सब लोग हमारे ऊपर हँसते हैं तो ये मेरा मैसेज है आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि मैंने बहुत कोशिश किया और पता करने पी एफ आईएनपीटी विजय बाबू जगदीश बाबू अनिमेश शिवचरण मानव ये लोग सब आए हमने आज अग्रीमेंट साइन किया है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिन में हम लोग एक होकर एक ही आवाज़ जो आवाज़ सुप्रीम कोर्ट में गया है जो आवाज़ कामी कामी में गया है वही आवाज़ आपका भी आवाज़ हम सुनकर आपको एक ऐसा ऐसा मॉडल दे जहाँ में आपको भी लगे सेवेंटी वन ईयर्स के बाद एटलीस्ट हमने एक संग होकर अपने दोफा को आगे रखा ना कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बेलाई बेलाई नो हम बाय आई लव ऑल ऑफ यू ऑल खुलूँ का धन्यवाद टिपरा सा था